हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम आपका स्टेटिस्टिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर फोर्टीन उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू स्टार्ट करते हैं फोर्टीन पॉइंट टू में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट आर रिकॉर्डेड एज फोलोज एक क्लास में जो एट क्लास है उसमें थर्टी स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप था उसको रिकॉर्ड किया गया तो इस टाइप से मिला ए बी ओ ओ ए बी और ये तीस बच्चों का ब्लड ग्रुप है इसको रिकॉर्ड के करके लिखा गया है आपसे बोला है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डेटा की फिर दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए इसमें विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स इन बच्चों में सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए गए हैं तो पहले देखो हमने क्लास एट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखी थी तो वो काम सेम है हम उसी तरीके से एक एफ बना लेंगे सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आप जानते हैं चार टाइप के ब्लड ग्रुप हैं ए बी ओ और ए बी उसके बाद में हम ऐसे सीधे काउंटिंग नहीं करेंगे कि ए कितने हैं बी कितने हैं ओ कितने हैं और ए बी कितने हैं टेलीमार्क्स की हेल्प से हम बाद में आसानी से यह कॉलम बना सकते हैं तो टेली मार्क्स आपको बनाना आते होंगे ए है पहला तो इट मीन्स आप ए के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर बी है तो बी के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर ओ के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे फिर ओ के सामने एक और लाइन ड्रॉ करेंगे फिर ए बी के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से हम सीक्वेंस से चलते जाएंगे और लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे ये ध्यान रखना है पांच पांच की ग्रुपिंग बनानी है जैसे मान लो आपने चार लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो पांचवी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करके पांच का ग्रुप बना के अलग रख देंगे और फिर यदि आगे नंबर आएगा तो थोड़ी जगह छोड़ के फिर से हम लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है ये चार लाइन ड्रॉ कर दी पांचवी लाइन को इस तरीके से दिखाएंगे फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर से इस तरीके से पांच पांच की ग्रुपिंग है वो आसानी से काउंटेबल है और अलग दिखाई जा सकती है तो हम टेली मार्क्स बना लेंगे और टेली मार्क्स की हेल्प से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से शो करने हैं पांच और चार ये नौ बन जाएंगे पांच और एक 6, ये पांच दस और दो बारह ये तीन तो ये आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली देखो फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी है आपसे यदि इस टेबल की हेल्प से पूछा जाए ब्लड ग्रुप ए वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग ब्लड ग्रुप ए तो आपका आंसर होगा नाइन आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग ब्लड ग्रुप बी योर आंसर विल बी सिक्स स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ आपका आंसर होगा ट्वेल्व स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी द आंसर विल बी थ्री स्टूडेंट्स तो ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली टेली मार्क्स की हेल्प से अब हम जो दो क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा पूछे हैं उनका आंसर करते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग स्टूडेंट्स सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है सबसे कॉमन का मतलब जो सबसे ज्यादा आ रहा है तो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है वो ओ है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले बारह स्टूडेंट्स हैं तो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप होगा वो ओ टाइप होगा और फिर आपसे पूछा है विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट का मतलब क्या है जो सबसे कम मिल रहा है तो सबसे कम ब्लड ग्रुप ए बी है क्योंकि ए बी ग्रुप वाले केवल तीन ही बच्चे हैं तो एबी ब्लड ग्रुप रेयर केस में मिल रहा है और सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है ओ है ओके okay, स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ फोर्टी इंजीनियर्स फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू दियर वर्क प्लेस वर फाउंड एज फोलोज चालीस इंजीनियर्स के बारे में ये डेटा है कि उनका जो रेजिडेंस है और जो वर्क प्लेस है उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी किलोमीटर में पहले इंजीनियर से पूछा गया तो उसकी डिस्टेंस मिली फाइव किलोमीटर फ्रॉम रेजिडेंस टू हिज वर्क प्लेस तो इस तरीके से चालीस इंजीनियर्स का यह डेटा है आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज जीरो टू फाइव फॉर द डेटा गिवन अबोव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज जीरो फाइव फाइव इज नॉट इंक्लूडेड वट मैन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपसे बोला है कि यह जो डेटा है इस डेटा की एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है अब देखो ग्रुपिंग करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुपिंग कब की जाती है जब डेटा बहुत सारा होता है बहुत ज्यादा डेटा होता है तो हमें ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए और ग्रुपिंग से टेबल्स की जो टेबल होती है उसकी कम लाइन में ही हमारा काम हो जाता है तो हम ग्रुपिंग करेंगे और बोला कि क्लास साइज फाइव लेनी है क्लास साइज क्या लेनी है फाइव और जो पहला इंटरवल है वो जीरो टू फाइव लेना है अब देखो ध्यान से ये जो डेटा है इसमें जीरो टू फाइव का क्लास इंटरवल लेकर के चलें तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है थर्टी टू है थर्टी टू से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे देखो इस तरीके से पहला जो क्लास इंटरवल है वो जीरो टू फाइव होगा नेक्स्ट होगा वो फाइव टू टेन फिर टेन टू फिफ्टीन फिर फिफ्टीन टू ट्वेंटी फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव यानी क्लास साइज कितनी होगी फाइव गैप कितने कितने का है फाइव फाइव का है तो क्लास साइज गई फाइव और पहला क्लास इंटरवल लिया जीरो टू फाइव किलोमीटर का ये क्या है ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही तो है तो डिस्टेंस किस में किलोमीटर में ये हो गया क्लास इंटरवल का कॉलम अब हम टेली मार्क्स लेंगे और टेली मार्क्स से फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या नंबर ऑफ इंजीनियर्स आ जाएंगे तो देखो जो पहला वैल्यू फाइव है उस फाइव को हमें कौन से क्लास इंटरवल में इंक्लूड करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जीरो टू फाइव क्लास में भी फाइव है और फाइव टू टेन क्लास में भी फाइव है तो जो फाइव एक्चुअल वैल्यू है वो आपको ऊपर वाली क्लास में नहीं लेनी है नीचे वाली क्लास में लेनी है ऐसे यदि आपको फिफ्टीन वैल्यू मिलती इस डेटा में फिफ्टीन वैल्यू मिलेगी जैसे यहां पर आएगी ये फिफ्टीन आएगी तो फिफ्टीन है वो इस क्लास में काउंट नहीं होगी अगली क्लास में काउंट होगी 15 टू ट्वेंटी में ऐसे ट्वेंटी फाइव यदि वैल्यू आती है इसके अंदर। तो ट्वेंटी फाइव आपकी ट्वेंटी टू ट्वेंटी काउंट नहीं होगी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वाली क्लास में इसको काउंट करेंगे तो यदि फाइव को हमें लेना है तो फाइव इस वाली क्लास में आएगा यानी पहली लाइन यहां ड्रॉ की जाएगी उसके बाद में थ्री वैल्यू आई तो थ्री वैल्यू है वो जीरो टू फाइव के बीच में है तो इसके सामने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी जाएगी उसके बाद में टेन की बात करें अगली वैल्यू टेन है तो टेन आपका फाइव टू टेन में शामिल नहीं होगा टेन टू फिफ्टीन में शामिल होगा तो एक लाइन यहां पर आ जाएगी उसके बाद में बात करें ट्वेंटी की तो ट्वेंटी होगा वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी वाली क्लास में काउंट नहीं होगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी वाली क्लास में काउंट होगा फिर आएगा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव को भी आप इस क्लास में काउंट नहीं करेंगे इस क्लास में काउंट करेंगे तो इस तरीके से हम ये टेली मार्क्स का कॉलम क्रिएट कर लेंगे पांच पांच की ग्रुपिंग रखनी है एक्स्ट्रा होते हैं वो बच जाएंगे अपने आप फिर इस टेली मार्क्स की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम क्रिएट करेंगे ये पांच का बंडल है ये फाइव होगा ये फाइव फाइव टेन और वन इलेवन ये फाइव फाइव टेन और वन इलेवन फाइव और फोर नाइन वन वन एंड टू ये टोटल हम करेंगे तो फोर्टी हो जाएंगे देखो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ग्रुप्ड है क्योंकि ये ग्रुपिंग की है तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम देखो क्या मेन फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हमें पता चल सकता है देखो इससे हम आसानी से ये डिस्कस निकाल सकते हैं पांच इंजीनियर ऐसे हैं जिनके रेजिडेंस की डिस्टेंस वर्क प्लेस से जीरो टू फाइव किलोमीटर के बीच में है इलेवन इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी रेजिडेंस से वर्क प्लेस की डिस्टेंस है वो फाइव टू टेन किलोमीटर के बीच है इलेवन ऐसे भी हैं जिनकी डिस्टेंस है रेजिडेंस से वर्क प्लेस तक वो टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर के बीच है एक इंजीनियर ऐसा भी है जिसकी रेजिडेंस से वर्क प्लेस की डिस्टेंस है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव किलोमीटर के बीच में है एक और ऐसा है जिसकी डिस्टेंस 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है और दो इंजीनियर ऐसे भी हैं जिनके रेजिडेंस से वर्क प्लेस की डिस्टेंस है वो थर्टी टू किलोमीटर के बीच में है तो हमें इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्या मेन फीचर्स मिलते हैं तो जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है वो मेन फीचर्स में मोस्टली शामिल की जाए तो देखो इलेवन इंजीनियर ऐसे हैं जो फाइव टू टेन किलोमीटर डिस्टेंस वाले हैं और इलेवन दूसरे ऐसे भी हैं जो टेन टू किलोमीटर डिस्टेंस वाले हैं एक इंजीनियर ऐसा भी है जिसकी डिस्टेंस टू किलोमीटर के बीच है और एक और ऐसा है जिसके रेजिडेंस की डिस्टेंस वर्क प्लेस से ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर के बीच है ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपका जो राजस्थान बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसमें आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दे रखा है जिसका एक ये मेथड है 14.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको क्रिएट करनी है और उसके मेन फीचर्स हैं उनको देखना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच